मैं जानता हूं कि घरेलू हिंसा कितना संगीन जुर्म है और इस संगीन जुर्म में मुजरिमों के साथ तो यही बर्ताव किया जाता है ना, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि इस संगीन आरोप का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। कई बार बदला लेने के लिए भी ये आरोप लगाया जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। सर एक मिनट, वैसे इस पूछताछ का तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं जो भी जवाब दूंगा आप उस पर यकीन करेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, सीधा मारने पीटने से शुरू करते हैं। मैं आपको कैसे? नहीं नहीं, आप आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मल्हार, मल्हार, मल्हार। हाँ, क्या कर रहा है? मैंने कल्याणी को मारा है। मल्हार मत करो ये सब। लेकिन उसे मार गलती से पड़ी है, मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा। मेरे और मेरे घर वाले बेकसूर हैं। मल्हार, स्टॉप इट। गलती भी मुझसे। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट मल्हार। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं सर, रहने दीजिए। इस संगीन जुर्म में मुजरिम के साथ यही किया जाता है ना, तो अगर सबको लगता है कि मैंने अपनी बीवी के साथ अत्याचार किया है तो मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। मैं इसका हकदार। मल्हार, अरे मल्हार, क्यों रुक जाओ? मल्हार, वाह मल्हार जी, मतलब सही हाँ, कमाल है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नाटक किया है। मतलब मानना पड़ेगा मल्हार जी को आई, सही है। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ सही तो कह रही हूँ आई, तमाशा नहीं तो और क्या है ये सब? तमाशा ही तो कर रहे हैं। क्या क्या लगता है आपको, कैसे एक को मारने से आपका गुनाह कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं मल्हार जी, क्योंकि आज मैं आपकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। आखिर सबको पता चलना चाहिए ना आपकी असलियत। ये देखिए ये चोट, चोट मुझे मल्हार जी ने दी है। इन्होंने मारा है मुझे, और कोई गलती से नहीं हुआ ये। मल्हार जी ने जानबूझ के मुझे मारा है। तो ये है तुम्हारा असली रंग, हमेशा जो संस्कारी होने का नाटक करती रहती हो। प्लीज आपसे बात नहीं कर रही हूं मैं। और इनकी सच्चाई जानने का हक तो आज सभी को है। मैं बताती हूं आप सबको सच्चाई। दरअसल ये जो इंसान दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एक निहायती सेल्फिश और डोमिनेटिंग किस्म का इंसान है। इनसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई चीज उस तरह ना हो जैसे कि ये चाहते थे। इनकी नजरों में मेरे लिए कोई प्यार, कोई इज्जत नहीं है। वो तो आज क्योंकि बात यहां तक पहुंच चुकी है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ये चोट दिखाई है, वरना ऐसी कई चोटें हैं मल्हार जी की दी हुई जो वक्त के साथ भर चुकी हैं। पता है आज तक ना ही मेरे पापा और ना ही मेरे आई ने मुझ पर कभी भी हाथ उठाया, कभी नहीं मारा है मुझे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना इनके साथ, सिर्फ मुझे ही पता है कि मैंने इनके हाथों कितनी मार खाई है। और आज आप सबको पता चल ही जाना चाहिए कि पुलिस के बेल्ट का आप हमारे घर के बंद कमरों के पीछे
क्या इस्तेमाल करते हैं। कल्याणी, कल्याणी ये क्या अनाप शनाप के जा रही हो? देखो मैं जानता हूं कि मल्हार को गुस्सा आता है, लेकिन वो इस तरीके का इंसान नहीं है जो कभी किसी औरत पे या अपनी पत्नी पर हाथ उठाए। कल्याणी क्या पागलपन है ये? हाँ चलो चलो। नहीं आई, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इनकी सच्चाई आज सबके सामने मैं लाकर ही रहूंगी। आखिर पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि ये इंसान जो पूरी दुनिया के सामने भगवान बनने का ढोंग करता है, असल जिंदगी में एक राक्षस है। राक्षस। सॉरी, कंप्लेंट मैंने फाइल नहीं की थी। वो एक्चुअली आओ साहब ने मुझे बेहोश करके मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। क्योंकि वो मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरे घर वालों को सलाखों के पीछे डालना चाहती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां कोई केस बनता ही नहीं है। केस है क्या मिश्रा साहब? अनुप्रिया को शौक दिया गया है और उसका इल्जाम मेरे घर वालों पर है, तो केस तो बनता है ना। वो केस का खत्म हो गया। मैंने तो कोई तकरार दर्ज की नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि आपको शौक दिया गया था? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको शौक नहीं दिया गया था? हाँ। तो फिर केस मेरे परिवार के ऊपर बनता है ना। लेकिन मल्हार जी, जब आई खुद कह रही है कि उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है, वो कोई कंप्लेंट फाइल करना ही नहीं चाहती है तो। नहीं कल्याणी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले बाद में मेरे घर वालों को ये जाहिर करें कि तुम्हारी मेहरबानी से मेरे घर वाले जेल से छूटे। मुझे पुलिस पर यकीन है, उन्हें अपनी तहकीकात करने दो। जब सच सबके सामने आ जाएगा तो मैं और मेरे घर वाले इज्जत से यहां से परी होकर जाएंगे। मल्हार ही पागल पर है। अब मल्हार बेटा, बहू कह तो रही है कि आओ साहब ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। तो नहीं आई, कल्याणी के कहने से नहीं। जब पुलिस साबित करेगी कि हम ये दोष हैं, तब कमिश्नर साहब आप अपनी तहकीकात जारी रखिए। मल्हार देखो, ये पागलपन है मल्हार। देखो मैं नहीं चाहती कि हमारे घर वाले ऐसे जेल में रहे। मैं कल ही इन सबकी बेल करा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कल सुबह होने से पहले मैं ढूंढ निकालूंगी कि आई को शौक किसने दिया। और फिर मैं अपने घर वालों को पूरी इज्जत के साथ यहां से घर वापस लेके जाऊंगी। और हां मल्हार जी, मैं जो भी कर रही हूं ना, वो अपने घर वालों के लिए कर रही हूं। तो प्लीज इसे मेहरबानी का नाम देके मेरे प्यार की इंसल्ट मत करिए। बस आई, क्या बात हुई आई? मल्हार जी ने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी उन्हें अंदर रह के महान बनने की? और उन्हें ऐसा लगता है
ऐसा लगता है उन्हें कि उन्हें निर्दोष साबित करके मैं उन्हें मेहरबानी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कल्याणी, गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है, पता है ना तुम्हें? मल्हार उसके परिवार वालों से कितना प्यार करता है, उन्हें ऐसे जेल में देखकर उसे बुरा लगा होगा, इसलिए बोल दिया। समझती हूँ मैं उनका दर्द है, इसीलिए तो कोशिश कर रही थी ना उन सभी को बाहर निकालने की, लेकिन लेकिन क्या फायदा हुआ? गुस्सा तो ना मुझे जिस वक्त आउटसाइड पे आ रहा है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। हाँ हाँ कल्याणी, शांत हो जा और रोना बंद करो। देखो ऐसे गुस्सा करके रोने से हल नहीं निकलने वाला, शांत हो जाओ, पापा सब ठीक करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे किसी भी हाल में कल सुबह से पहले ये पता लगाना होगा कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। आई देखो प्लीज, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना, एटलीस्ट इतना तो याद होगा कि वो कोई आदमी था या फिर औरत। नहीं कल्याणी, कुछ सोचने का देखने का वक्त ही नहीं मिला, अचानक से पता नहीं वो वायर कहाँ से आ गई और झटका लग गया, और फिर उसके बाद तो होश ही नहीं थे ना। बस बोल दे तुम्हें, मैं क्या बोल, ये संस्कार दिए मैंने तुझे, ये तेरी काकी तेरी माँ जैसी है, उसके साथ तूने ऐसा किया? अहीर मुझे जवाब चाहिए, वरना मेरे पास और भी तरीके। बता दो, बता दो। बता दो, मैंने माई को शॉक दिया क्योंकि क्योंकि मुझे लगा कि वो अथर्व है। अथर्व? अथर्व ने बहुत बहुत बुरा किया सौरा के साथ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए जब वो ऑटो से भागा तो मैं भी उसके पीछे नंगी तार लेके गया, और उसी टाइम पता नहीं कहां से अचानक से माई वहां पे आ गई, अंधेरे में हाथर की जगह माई को शौक हो गया मेरे को। हाथर की दिमागी हालत जानता है ना तू, और उसने जो किया उसके लिए हमने उसको मेंटल केयर भेजा ना, तेरा तो दिमाग ठीक है ना, तूने जो किया है ना ये कानूनन जुर्म है। दिल तो कर रहा है तेरी इस हरकत के लिए ना, तेरी यही खाल उधेड़ दूं। मल्हार बस हो गया मल्हार, और वैसे भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन तो होगी, जो इसने किया है ना उसके लिए ये बच नहीं सकता। तारक जा रहे तो इसे मेरी बात सुनो, तादा मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे से गलती होगी, तादा मेरी बात सुनो, तादा गलती होगी मुझसे दादा। कमिश्नर साहब, अहीर का केस इसी पुलिस स्टेशन में रहेगा, और इसका केस मैं नहीं हैंडल करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कुछ लोग मुझ पे उंगली उठा सके कि मेरी वजह से अहीर को कम सजा मिली है। दादा मैं छोटा हूँ ना दादा, छोटा भाई होगा, प्लीज माफ कर दो ना दादा, प्लीज दादा। हे आई हाई, तू बोलना एक बार, आई हाई गलती होगी ना, तू बोलना कुछ ना दादा, प्लीज दादा। मल्हार जाने दो, बच्चा है, मैं उसे सुधार दूंगी, उसे छोड़ दो। मल्हार इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है, अब उसे और सजा देने की क्या जरूरत है? जरूरत है, अहीर ने जो भी किया उसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दीजिए। मल्हार जी आप
पापा ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? अगर सजा ही देनी थी तो कुछ और दे देते। आप तो जानते हैं ना कि मेरी नजरों में इस वर्दी की, इस कानून की कितनी इज्जत है। मेरा अपना भाई क्रिमिनल, क्यों कल्याणी? बहुत बुरा लग रहा है ना आपको, बहुत चोट पहुंची है ना आपके दिल को। नहीं महाराज जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, मैं समझ सकती हूँ, आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी हमदर्दी के काबिल ही नहीं हूँ कल्याणी। 20 जुलाई की रात को सार्थक जी सोलापुर में ही थे सर। इसका मतलब राधे की बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन फिर काका ने उसको पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? पता लगाओ कि सार्थक काका सोलापुर में क्या कर रहे थे, कब तक थे वहां पे और कब वापस आए। ओके सर, जैसी कोई खबर मिले मुझे बताओ। अच्छा चलो बेटा, क्या दुश्मनी हो सकती है काका की राधे से, और ऐसा क्या कर दिया काका ने कि उन्हें मुझसे भी झूठ बोलने की जरूरत पड़ गई। मल्हार जी भी ना, हमेशा जब मुझे कोई अर्जेंट बात करनी होती है ना तभी मेरा फोन काटते हैं। ये तो बार बार फोन काट रहे हैं मेरा। क्या हुआ मैडम, कुछ सब ठीक तो है ना? मल्हार जी से पहले मैं स्वरा और आदि की बात और किसी को नहीं बता सकती। अब देखिए, मुझे कंघे मिली है और ये कंघी 26 जुलाई का कोई सबूत हो सकती है। कंघी? किसकी कंघी है ये? मैडम इसमें तो एक दो रेशे भी हैं। इसका डीएनए टेस्ट हो सकता है। राधे का काका की जान से खतरा होना, कहीं ये बात राधे और सोरा की शादी से जुड़ी हुई तो नहीं है? कहाँ जा रही हैं? मेरे बेल के 14 दिन पूरे हो चुके हैं, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुना आपने? कुछ नहीं किया है आपने। मैं मानती हूँ कि राधे का खून मेरे हाथों हुआ है और ये बोझ अपने दिल पर रखकर मैं नहीं जी सकती। इस जुर्म की सजा मुझे मिलनी चाहिए। छोड़ दीजिए मेरा हाथ, जाने दीजिए मुझे। कहीं नहीं जाएंगी आप। सार्थक जी मेरी बात तो मानिए, आप छोड़िए। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बस। अनुप्रिया, अरे ये क्या करने जा रही हो तुम? तुमने सुना नहीं कैसे में राधे ने क्या कहा? उसकी जान को सार्थक से खतरा है, फिर तुम कैसे दोषी हुई? क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? मतलब क्या है आपके कहने का? एक तो किसी ऐरे गहरे के बयान को मानकर हम थोड़े ना अपने भाई को मुजरिम करार दे दे, और दूसरी बात, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि उस गाड़ी में जो कंकाल मिला था वो राधे का ही था, और हम में से कोई भी जानता तक नहीं कौन है कौन ये राधे।
जैन सर, सर डीएनए की रिपोर्ट आ गई है सर। उस कंकाल का डीएनए साड़ी पे लगे खून से मैच करता है सर। इसका मतलब कि वो लाश राधे की ही थी सर। और साड़ी पहना हुआ वो राधे श्यामी था सर। सार्थक जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आई, मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को पुलिस को सरेंडर करना चाहती हो, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम काका को बचाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें इतना याद आ गया है कि तुमने 26 जुलाई की रात को एमएच बॉस वाली नंबर प्लेट देखी थी जो काका की गाड़ी है। सर हमने वो गैरेज वाले राजू को पकड़ लिया सर, उसी ने एमएच बॉस वाली नंबर प्लेट भी बनाई थी सर। किसकी गाड़ी थी वो, और वो नंबर प्लेट किसके लिए बनवाई है? सर वो सार्थक राणे जी की गाड़ी थी। बता दीजिए काका, बता दीजिए आज सबको कि 26 जुलाई वाली रात को क्या हुआ था। हमने बस सार्थक को बचाने के लिए इस राज को राज ही रखना उचित समझा। हम चारों के अलावा और कोई इस बात के बारे में नहीं जानता था। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। मलार मैं बहुत डर गया था, डर में मानो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, और उसी डर में मैंने राधे की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाला और तालाब के पास ले गया। यही सच है मल्हार, मैंने मारा है राधे को। यही सच है कि मैं खूनी। गिरफ्तार कर लो मुझे। जेल में छुपके बैठने नहीं दूंगी मैं आपको। शाम की मौत का बदला अब मैं लूंगी। मुझसे मेरे शाम को छीना है ना आपने, हमारे प्यार का खून किया है आपने, इसकी सजा मैं आपको देके रहूंगी सार्थक राणे। छोड़ो इसको, क्या कर रहे हो तुम ये? उठो कल्याणी। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने राधे ने आपका? क्यों किया आपने? क्यों बोलो? स्वरा वो सिर्फ एक हादसा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था बेटा। क्यों किया? क्यों? बाबड़ी सिर्फ एक हादसा था। बाबड़ी एक बार सुनते ले। स्वरा देखो शांत हो जाओ। ये तूने होलिया क्या बना रखा है? ये विधवाओं की तरह क्यों घूम रही है तू यहाँ पे?
क्योंकि स्वरा और राधे श्याम की शादी हो चुकी थी मल्हार जी। स्वरा और राधे श्याम की शादी हो चुकी थी। मैंने खुद इन दोनों की शादी की तस्वीर देखी। कल्याणी, तुम ये बात जानती थी और उसके बावजूद तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मल्हार जी, मैं आपको बता तेरी राधे के साथ शादी हो गई। बताया क्यों छुपा के रखी है बात? क्योंकि मैं जानती थी कि एक नाचा को साड़ी पहन के लाभ नहीं करने वाले को आप अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते। श्याम ने मुझसे कहा था कि मैं आप सबको हमारी सच्चाई बता दूं, लेकिन जब तक मैं अपनी हिम्मत जुटा पाती श्याम गायब हो गया। और मुझे पता था कि उसके गायब होने के पीछे आप चारों का ही हाथ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि श्याम। सर, सॉरी सर, माफ कीजिएगा सर, आपका फोन बंद बता रहा था सर, इसलिए यहां आ गया सर। और एक दिन के लिए, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। माफ कीजिएगा सर, मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन सर बात ही कुछ अर्जेंट है सर। कमिश्नर साहब खास आपसे मिलने आए सर, उनका कहना है कि केस में कुछ गड़बड़ है सर। ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है? चलो। मल्हार जी, मुझे पता था कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अंदर भेजा आपको बाहर बुलाने के लिए। मल्हार जी, एक्चुअली राधे की मौत उस वक्त नहीं हुई थी जब उसका काका की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसकी मौत एक्चुअली 3 घंटे बाद हुई थी, वो भी दम घुटने की वजह से। मल्हार, वो तो अच्छा हुआ कि कल्याणी के जिद करने पर हमने सार्थक का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया तो पता चला कि सार्थक तो झूठ बोल रहा था। हालांकि उसकी गाड़ी से राधे का एक्सीडेंट हुआ जरूर था, लेकिन गाड़ी को ले जाकर तालाब में फेंकने का काम सार्थक ने नहीं बल्कि किसी और आदमी ने किया। तो इसका मतलब काका झूठ बोल रहे थे और राधे की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है? करेक्ट। तो इसका मतलब उसको गाड़ी में डाल के बाद में तालाब में ढकेला गया है। तो जाहिर है वो सोलापुर से औरंगाबाद आने तक जिंदा था। करेक्ट। लेकिन और कौन हो सकता है मल्हार जी, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे काका के अलावा तो सिर्फ मामन जी, एसपी और अहीर था। भाई सुन, अपना ये औरंगाबाद ना थोड़ी सी दूर है, गांव से पहले यही एक तालाब है, अपन गाड़ी को इस तालाब में धकेल देते हैं। बचा, कोई है?
तो जिंदा आई। बचा दे ये। अरे मैं मर जाऊंगा। खोलो। मेरी सांस रुक रही है। बचाओ। मार दो इसे। मार दो। मेरे मार दो इसे। मार दो। आप बोलने लिए तो आई। पागल हो गई है। नहीं नहीं नहीं। अरे मेरे से ये सब नहीं होगा। मैं नहीं मारूंगा। आहिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो ये अगर जिंदा बच गया ना तो भौजी के साथ साथ हम भी मरेंगे। हमें तो यही लग रहा था ना ये मर चुका है, लेकिन अब ये जान चुका है कि हम इसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे। अगर इसने पुलिस के सामने कुछ भी बोल दिया ना तो भौजी के साथ साथ हम भी मर जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं, मार दे इसे। बचाओ पुलिस, बचाओ। समेत इस लाश को तालाब में फेंक देते हैं। भाई पर आई अगर किसी टाइम पर आके पुलिस को लाश मिल गई तो आई ऐसे किसे मिलेगी पुलिस को? अगर मिल भी गई तो पुलिस को तो यही लगेगा ना कि ये खून तो भौजी ने किया है। देख तेरे और मेरे सिवाय ये राज कोई नहीं जानता है कि ये जिंदा था। और बापजी को भी पता बताना, भौजी को यही लगने देना कि ये खून उनके हाथों ही हुआ है। चल चल चल।